ground, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals. I'm in the truck with the truth, trying to get it what it feels. Battling and I never lose. We saw a fucking warriors. Hi guys, welcome to another vlog from Stay Out. Myself Raksharaj Gupta. हम काफी दिनों बाद आ रहे हैं एक नई वीडियो लेके. एंड जो आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें. आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ द BMW 320D लग्जरी लाइन 2019 रजिस्टर्ड सिंगल ओनर कार. एंड ये अल्पाइन वाइट कलर में है. सेंटर में BMW बैजिंग और ये कार आती है 2 लीटर की डीजल इंजन के साथ विच गिव्स अराउंड 188 BHP ऑफ पावर. डे टाइम रनिंग LED लाइट्स एंड विद प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स. एंड हेडलैम्प्स के बाजू में एक BMW LED का एक बैजिंग. फॉग लैम्प्स एंड मैसिव सिग्नेचर BMW फ्रंट ग्रिल विद फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. और हमारे को इस कार में टायर्स 225x50 R17 सिल्वर फिनिश अलॉय व्हील्स जो एक रन फ्लैट फीचर्स के साथ मिलते हैं. लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कार. विंडोज आर वेल गार्निश्ड विद द क्रोम एंड ब्लैक फिनिश ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इट. एंड चलते हैं हम इसके रेयर में. रेयर में हमारे को LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं एंड 320D की बैजिंग विद द लोगो एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स. यहाँ बॉटम में हमारे को रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं. इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, बस एक रिफ्लेक्टर है. एंड रेयर बॉटम इज वेल गार्निश्ड विद द क्रोम. BMW लग्जरी लाइन कम्स विद अ डुअल एग्जॉस्ट एंड बहुत ही ये एक स्पोर्टी लुक देता है. लेफ्ट साइड में कार को देख लेते हैं. LED टर्न इंडिकेटर, OVRM जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है साथ में. भाइयों कार में बड़े ही सही कंडीशन में. और एक खासियत है जो इस गाड़ी में, जो मेरे को भी सरप्राइज करते थे जब मैं इस गाड़ी को देखने आया था खुद से, तो मैं आपको एक कार के अंदर जाके बताऊंगा. तो चलते हैं अपन कार के अंदर. सो इनिशियली हमें जो दिखती है वो है जो कार के जो इलेक्ट्रिक ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट्स हैं विद मेमोरी फंक्शन, जो आप अपने अरेंजमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं. डोर में हमारे को पियानो ब्लैक फिनिश विद विंडोज कंट्रोल्स एंड डोर हैंडल. एंड इन टोटल करीबन इस गाड़ी में 10 स्पीकर्स हैं जो कंपनी फिटेड हैं. ये होता है लग्जरी सेडान का एक कॉकपिट विच इज द BMW 320D का इंटीरियर जो एक ड्राइवर को दिखेगा. एंड ये वाली कार आती है एक डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ. इसमें जो डिजिटल स्पीडोमीटर है जिसके अंदर डिफरेंट ड्राइव मोड्स पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हो जाती है. लाइक स्पोर्ट्स मोड में डालते ही ये रेड रेज लुक आ जाता है जो लाइक बहुत ही एक पावर फील देता है. स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स एंड विद पेडल शिफ्टर्स हैं. एसी वेंट्स फॉर अ ड्राइवर ऑन द राइट साइड एंड हेडलाइट के कंट्रोल्स के नीचे मिल जाते हैं. इंफोटेनमेंट स्क्रीन एज यू कैन ऑल सी. इवन कार में लैमिनेशन अभी तक हटी नहीं है पूरी तरीके से, तो वही जो मैं आपको सरप्राइज बताने वाला था ना, उसका एक ही हिंट है. चलो ठीक है, ज़्यादा मैं वेट नहीं कराऊंगा. तो इसका जो मेन जो सरप्राइज था ना, सो गाइस ये कार सिर्फ ओनली 6,000 किलोमीटर्स रन हुई है अभी तक. तो कार बिल्कुल एकदम फ्रेश है. सो आगे चलते हैं. पुश बटन स्टार्ट. 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो कि हमारे को बोथ ड्राइवर पैसेंजर एंड रियर के लिए मिलता है. एंड जो हर एक BMW में स्टैंडर्ड आता है विच इज़ द 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. एंड हमारे को 2 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं विच इज़ एन इको प्रो मोड एंड द स्पोर्ट्स मोड. यहाँ पे उसके ऊपर ABS का बटन है एंड 360 पार्किंग सेंसर्स का ऑफ बटन है. इंफोटेनमेंट कंट्रोल जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरे कार में, जो यहाँ से हम इसको इसके कनेक्टेड ड्राइव एंड म्यूजिक रेडियो नेविगेशन व्हीकल की पूरी डिटेल्स लाइक इन करीबन अभी जैसे आप देख पा रहे हो 12 लीटर्स के आसपास का ये एवरेज दे रही है जो शायद स्पोर्ट्स मोड एंड सब कुछ मिला के. इसका जो सर्विस रिकॉर्ड है जो इनबिल्ट अपन को इसके अंदर दिख रहा है विच इज ये प्रूफ है जो इसकी फर्स्ट सर्विस ही ओनली 7 किलोमीटर्स की रनिंग पे थी. एम्पल स्पेस विद ल्यूमिन इन द ग्लव बॉक्स. 1 क्लिक से इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ खुल जाती है एंड उसी हिसाब से ये बंद भी हो जाती है. चलते कार के रेयर सीट में, जो रेयर पैसेंजर उनको कैसा फील होता है गाड़ी के अंदर बैठ के. तो आ गए अपन कार के रेयर में. मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है
एंड जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पास बढ़िया लेग रूम है एंड हेडरूम भी काफ़ी सही है एंड सेंटर सीट आर्मरेस्ट एंड दो कप होल्डर्स के रेयर पैसेंजर्स के लिए ओपन हो जाते हैं। इसको बंद कर देते हैं। रेयर एसी वेंट्स कंट्रोल जैसे मैंने बताया था पहले भी थ्री जोन है, तो आगे एक ड्राइवर का, एक पैसेंजर का और एक रेयर पैसेंजर्स का थर्ड जोन कंट्रोल है जहाँ से अपन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे को एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। एम्बिएंट लाइट जैसे आप देख रहे हो रेयर के डोर में भी है। मैनुअल सनशेडर्स जो हमें बस एक बार हमें इसे पुल करना है एंड हुक हो जाता है ऊपर। पीछे भी एक ऑटोमेटिक सनशेडर है जो इसका कंट्रोल आगे ड्राइवर कर सकते हैं। फॉर स्मॉल किड्स आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जो आते हैं जो इसमें गाड़ी में दे रखे हैं। तो जस्ट टेक अ लुक अगेन ऑफ द कार फ्रॉम द इंटीरियर। फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स एक उनका जो आर्मरेस्ट होता है उसके नीचे एक सेंट्रल स्टोरेज होती है जहाँ पे आप आराम से एक मोबाइल और एक चार्जिंग बोर्ड दे रखा है जहाँ पे आप आराम से रुक के फ़ोन अपने चार्ज कर सकते हैं। ये है कार की की एंड इसमें एक बटन अपन होल्ड करके अपन ये बूट ओपन हो जाता है। स्पेयर टायर, फर्स्ट एड किट, टूल किट एंड द बूट कैपेसिटी ऑफ द BMW 320D इज 480 लीटर्स। जो एक चीज़ है जो मैंने बस एक की जो मेरे इसमें कमी सी लगी विच इज़ अराउंड नेग्लिजिबल, जो एक छोटा सा एक स्क्रैच है जो हमारे को लेफ्ट साइड के रेयर व्हील के जस्ट ऊपर मिल जाता है। हाँ, तो फिर मैं इसके बारे में जो बताने वाला था जो टायर का जो एक रन फ्लैट वाला फीचर है जो अगर कार पंचर हो जाती है तो स्टिल आप कार को रन कर सकते हो इन दी पंचर स्टेज अराउंड 100 से लेके 200 किलोमीटर्स तक। मतलब यू डोंट हैव टू जस्ट चेंज इट एट द राइट मोमेंट, यू कैन वेट कि कोई एक मेंटेनेंस का या फिर कोई एक पंचर लगाने वाला कोई मिल जाए आपको ताकि आप ये आप उस समय करा सको। अब जो मेन है जिस चीज़ के सब वेट करते हैं तो अब मिलाते हैं अपन कार के ओनर से। तो भैया अब अपन ने गाड़ी तो पूरी दिखा दी, अब आप बताइए कि लाइक ये गाड़ी तो बड़ी शानदार है एंड ये ना बड़ी ही एक ही होते हैं ना जो BMW फैंस होते हैं उनके लिए एक बहुत ही सही कार रही है। बहुत सही कार रही है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। आप डेली ड्रिवन कार है, मतलब डेली यूज में चला सकते हैं इस गाड़ी को। और गाड़ी की डिटेल की अगर बात करी जाए तो ये 2019 रजिस्टर्ड है, फरवरी की कार है ये। अच्छा। BMW 320D लग्जरी लाइन, टॉप एंड वेरिएंट, तकरीबन सिर्फ 2 साल पुरानी, मुश्किल से। हाँ, दो साल पुरानी है, लगभग 2 साल पुरानी है। 6000 किलोमीटर ड्रिवन है ओडोमीटर पे। ओके। और RJ45 यानी जयपुर रजिस्टर्ड। गाड़ी में ना तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस फरवरी तक है पूरी, फरवरी 2022। वारंटी फरवरी 2023 वारंटी। जो नेक्स्ट सर्विस होनी है इसकी वो होनी है मार्च 2022 या 10,000 जो पहले हो जाए। अच्छा। मार्च ही होगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है आपको गाड़ी लेना है, डीजल डालना है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी, कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी ब्रांड न्यू न्यू कार शोरूम से ऑलमोस्ट 58 लाख रुपीज की आती है। ऑलमोस्ट 58 लाख रुपीज की आती है। 320D लग्जरी लाइन है ये। अच्छा। ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसके ऊपर 3 सीरीज में कुछ भी नहीं आता। और यही गाड़ी 2 साल पुरानी सिर्फ 6000 चली, ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस में मैं दे दूँ, ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस में मैं दे दूँ। न्यू कार ही आ रही है आपके पास 50% ऑफ में, ऐसे समझ लो आप। ये तो आप अपन ज्यादा टाइम लगाते नहीं, इसकी आप प्राइस डिस्क्लोज कर दो एंड बताइए ये कितने की बिक रही है आपके पास। भैया देखिए ये 2019 रजिस्टर्ड कार है, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू कार 58 लाख रुपीस ऑन रोड जयपुर पड़ती है आज के दिन। और मेरी जो आस्किंग है इस गाड़ी की, मैं ये आस्किंग कर रहा हूँ इस गाड़ी की 31 लाख रुपीस, विच इज नेगोशियबल स्लाइटली। ओनली 31 लाख रुपीस। टॉप एंड मॉडल डीजल 3 सीरीज, टॉप एंड मॉडल, इसके ऊपर कुछ नहीं आता। तो गाइस आपने डील सुन ली है, कार आपने देख ली है, फटाफट से आप इनको फोन लगा लीजिए, डायरेक्टली बात कर लीजिए। वैसे फोन के बजाय व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए, अपने आपसे आप डायरेक्टली आप इनसे बात कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आप हमारा चैनल का नाम लेंगे तो हमारा रिकॉर्ड रखते हुए ये आपकी प्राइस और थोड़ी नेगोशिएट अपन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच।